మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు బ్లాక్ అధ్యక్షులు అప్పుడు బడుగు బలైన వారికి తీసుకెళ్ళాము అవే సంక్షేమ పథకాలు అదే గౌరవ సర్పంచులు ఎంపీటీస్ ఎవరున్నా కూడా వేదిక రావాలని మనవి చేస్తాం पक्षा आल इंडिया कांग्रेस पार्टी राजेंद्र जगत्याल जिला मुख्य कार्यकर्ता समावेश प्रति तक कांग्रेस पार्टी की मन ओटे अपड़की इपड़की उ तेरा अंत प्रति अब करंट बिल एला करंट नित्यावसर धर एला अने प्रति अब प्रती निरपेद नोटक पोये विधा मन कांग्रेस पार्टी नित्यावसर सरकल रेषन रेषन तुम सरकल जरिए इप्ड चूस ओनली बिह्य मतमे अदे विधा मन तेलंगा वचन तरह प्रती इंटी उद्योग बंगार तेलंगा अपल तेलंगा मार्स्वर अदे विधा प्रती होराट में अंदर रोड धर्ना चाहा अंदर टीआरएस क्रेडिट को मरी मेसा मेसकोचनामें इच्छी कांग्रेस पार्टी इच्छी तरह केसीआर गारु मन तेलंगा मन को इक धर्ना चाहिए अवसर लेनी धर्ना चवल जी मल्ल के प्रभुत्व अदे धर्ना चवल केसीआर कुर्चनी धर्ना चेसी निजाट चपना अभी ना रोज नि केसीआर गारु गीद जी अद प्रगति भवन उसे फाम हाउस जरूरत अंत प्रती कार्यकर्ता कसे कल विधा कांग्रेस कार्यकर्ता नायक उएस नायक अला उम्मीद अदे विधा इप्ड चूस एलक्ष केसीआर गभल निर्वहित जरूर एक् मंजी जगे विधा जरगेट चूड़ी अभी जरूते कांग्रेस पार्टी द्वारा जरूरी ఎందుకంటే ఏ మతానికి సంబంధం కాదు ఏ దేనికి సంబంధం కాదు ప్రతి ఒక్క నిరుపేదకు కూడా సంబంధం ఉండే విధంగా మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వెళ్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కూడా కార్యకర్త కూడా పోరాటం చేసి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ ఇక్కడికి విచేసిన ప్రతి ఒక్క టిఆర్ఎస్ కన్నా కొంచెం చెప్తూ మనం బీజేపీ ఎందుకంటే సెంట్రల్లో మన ప్రభుత్వం రాకుంటే రాష్ట్రంలో మన ప్రభుత్వం వచ్చినా ఈ రాక్షస నరేంద్ర మోడీ మన ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగనివ్వడు నరేంద్ర మోడీ ఉన్న రోజు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా పరిపాలన చేయలేదు మనం పార్టీని వీసి ప్రభుత్వాలు వెడగొడుతుండు కాబట్టి మనం టీఆర్ఎస్ గారిని ఎక్కువ టార్గెట్ బీజేపీ చేయాలి చాలా విషయాలు ఇయాల ఓటర్లు ఇయో ఓటర్లు ఉన్నారు మన విషయాలు తెలివై 60 50 సంవత్సరాలు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలన చేసింది ఏమే అవసరం చేసింది వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఏమైనా బీజేపీ హిందూ ఇజాం గురించి మాట్లాడతారు కానీ డెవలప్మెంట్ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడరు मन कांग्रेस पार्टी गर् गर्भ कांग्रेस गड़प गड़प कांग्रेस अनाद तो पापेट जारी कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट कटी डेवलपमेंट इप्ड नरेंद्र मोदी एवं अम्मत एवं मन चुनाव प्लस मत मैनस अवी मन युवत विषयानी प्रति ग्रामीण प्रांकड़े अब मन कांग्रेस पार्टी मन इधर तुम्हारे इधर तपू वीडियो बस चार्जल वे करंट चार्जल वे आये वाड़ी निन्नुक सर्वे चपेट पचहत्तर पर्सेंट नरेंद्र मोदी उन्न कई नरेंद्र मोदी क्या गरीब के मोदी को जिता दे नोट बंदी करके गरीब लोगों को रोड के ऊपर लाए उसको कैसा रोड डालते जीएसटी लाए दूध के ऊपर दिए के ऊपर जीएसटी ऐसा लोग तो कई को वोट डालते पूरा हिंदुस्तान में पूरा नेशनल बैंक्स जब प्राइवेट वालों का हाथ में है तो इंदिरा गांधी नेशनल करके गवर्नमेंट करो तो तेरे लोग प्राइवेट कर रहे पूरा पेट्रोलियम कंपनी जब एच पी सी एसो कॉटेज एसो कंपनी भारतीय शुक्र था
पूरा खरीद के नेशनल करके इंडिया के मतलब फिर बालों को फिर वहाँ पर कंसल दे रहे हैं इतना बड़ा तो कांग्रेस पार्टी इधर बड़ा तो तब हम उठा रहे हैं पार्टी कांग्रेस परिषद तो नहीं इन देश हम को सब कांग्रेस के जनता पार्टी जब तो यह अवकाश बन जाए पैदल ना के जरूर आते हैं इस चंद्र को ना जाएं इन देखो प्रांत की अखिल भारत कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी गारु रोहित चौधरी नाटी वार अनेक मंदिर देश व्याप्त देश जरूरत नरेंद्र मोदी कार्यक्रम प्रजा व्यतिरेक कार्यक्रम तो हाउ टू पेंट द कांग्रेस पार्टी अने निनाद कांग्रेस पार्टी ओक कार्यकर्ता गुंडे चप्पुडु विनडानिकि कोरकु कांग्रेस विधानालु प्रजल्लोकि तीसुकेल्लडानिकि कोरकु केंद्र राष्ट्र प्रभुत्वाल ओक प्रजा व्यतिरेक पनुलु मीद पनि उन्नायो अवि तेलुसुकोवालनि कोरकु वारु वच्चिन सन्दर्भानिकि गुर्तु चेसुकोन सोदरुलारा मन ముఖ్యంగా సోదరులారా స్వతంత్ర పూర్వం స్వతంత్ర తర్వాత స్వతంత్ర పూర్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క చరిత్ర ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అయితే బ్రిటిష్ వారి తరిమికొట్టడానికి 200 సంవత్సరాలు పరిపడే సోదరులారా దేశాన్ని అనుకోబోతున్నారు ఎందుకంటే గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రవేశపెట్టినటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలు ఇన్క్లూడింగ్ రైల్వే స్టేషన్ కూడా అమ్మబోతా ఉన్నారు అమ్మినారని చెప్పి సందర్భం తెలుస్తుంది సోదరులారా क्यों बोले तो जो आखिरी बात करता कुछ भी नहीं रहता पूरे लोग बोलते थे ऐसा हमारे को यही प्रॉब्लम है जीवन रेड्डी साहब और महाराज के साहब निरंजन साहब कोई बात करना बोले तो वो ही बात करना बिल्कुल मगर मैं एक बोल रहा हूँ सब जैसा नंदू इससे पहले जगीताल बात करने से बात करा जो ग्रुपिज्म से जो उन्होंने बात करा सही बात करा स्टेट में जो लड़ाई हो रहा महाराज साहब इन लोग पूरे जाके कॉम्प्रोमाइज के लिए काम कर रहे होंगे मगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए तो इलेक्शन के लिए टाइम लगता हम इसीलिए बोले साहब लास्ट टाइम का गलतियां नहीं होना चाहिए ये बार आप आए आपके नेतृत्व में सबके यूनिटी रहना चाहिए भारत कांग्रेस प्रतिनिधि का रोहित चौधरी गारु वारिनि हृदयपूर्वकंगा आह्वानिस्तू वारितो पाटुगा मित्रुलु गतंलो रेंडु पर्यायालु मन प्रांतानिकि पार्लमेंट सभ्युलु प्रातिनिध्यं वहिंचि मरि प्रांतंलो वारु अंदिंचिनटुवंटि सेव विस्तृतंगा मनकु तेलियदु कादु मरि वारि मित्रुलु मधु यास्की गारु इप्पुडु प्रस्तुतं कांग्रेस पार्टी प्रचार कार्यदर्शिगा प्रजल कोरकु पनिचेसेटुवंटि पार्टी कांग्रेस देश स्वातंत्र पोराट इंद्र महानुभा प्राण त्याग साधन स्वतंत्र वार्तावन की समग्रता निपे विधा स्वर्गीय इंदिरा गांधी गारो केवल प्रजा प्रतिनिधि नायक का देश प्राणा त्याग चरित्र मन को अच्छी आ महात इंदिरा गांधी गार मन को आदर्श नायक चपक तपद अगे राजीव गांधी गार मेदो ये देश कुल मताल पेरट मन विच्छिन्न चेयरनी संकल्प तरण में सद्भावना यात्रा कार्यक्रम से पड़ी यावत् भारत देश में हिंदूले मुस्लिम सिख ईसाई अंदर अखिल भारत कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बाध्यता तरण में भारत जोड़ो यात्रो यावत् भारत देशा संघटित निपे विधा भारत देश ऐक्यता निे विधा कश्मीर टू कन्याकुमारी से पड़े यात्रा Definitely, I am very much confident that 1978 history will repeat in the whole of India, sir. In the whole of India, I say. And another one is, you know, Telangana bhi bol rahe hain, sir. Yahan pe jo hai, aaj Congress party ke upar bolne ke waste, kisi ke paas ek lafz bhi nahi hai, sir. Kisi ke paas ek lafz bhi nahi hai. Jo 2014 tak yahan pe Congress party ko hukumat chalne mein utte hi rahe hain. आज वही काम चल रहे मगर उससे ज्यादा ये काम ही नहीं चल रहा कुछ क्यों बदल के नाम बदल के हमारे कहीं नहीं जाते वो मारने ना वही क्या बोले जाना वो मारने ना वही जैसे लेट गया था इल अंटे हिस्से का देश और मतलब इस देश और से इस किसके बोले प्राइस तक ये सुनने के बाद तो ना आना रहे ना
ఏ విధమైన మత భేదాలు లేకుండా మత సామరస్యం కోసం పోరాటం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే చెప్పండి మత సామరస్యం కోసం పాటబడే పార్టీ కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే చెప్పండి जिला तरफ चीर सन्मान मध्याश कांग्रेस की जो कार्यकर्ता मुख्य नायकों से बात करने की जो किद्दाल जिला मुख्य नायक समावेश समावेश निर्वहिस्टे एसीसी सेक्रेटरी वच्चिन रोहित चौधरी गारु प्रत्येक प्रियांका गांधी गारी दूत इक्कडिकि रावडं वारिकुन्न अनुभवं दिल्ली यूनिवर्सिटी अध्यक्षुडिगा स्टूडेंट अध्यक्षुडिगा उत्तर प्रदेश प्रियांका गांधी गारी तोटि मन एन्निकल गेलगोपोवच्चु కానీ మనందరం చూసినాం ప్రియాంకా గాంధీ గారి నాయకత్వం ఏ విధంగా ఉంటుందని గెలుపోటం లెక్క చేయకుండా తీరోచితంగా పోరాడింది ప్రియాంకా గాంధీ గారు వారికి సహకరించిన సెక్రటరీల ముఖ్యుడు రోహిత్ చౌదరి గారు వారి వల్ల సమయం తీసుకొని మిగతా సెక్రటరీస్ లేకుండా ప్రతి జిల్లాకు తిరుగుతూ వారు చెప్పేది ఒకటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకులతో నేను మాట్లాడతాను ప్రతి జిల్లా మండల స్థాయి నుంచి ఉన్న నాయకులతోటి కార్యకర్తలతోటి మాట్లాడాలి కాంగ్రెస్ ప్రియాంక జీకి నేతృత్వమే రాహుల్ జీకి నేతృత్వమే సోనియా జీకి నేతృత్వమే కై సీట్ జీత్ సకతే థే రోహిత్ భాయ్ ఆప్కు బతాయేంగే లగ్భగ్ 56 సీటోం మే ఎంఐఎం నే నుక్సాన్ కియా మా సమాజ్వాదీ హో యా ఫిర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జీత్ సకతే థే వైసే హీ బిహార్ మే ఔర్ కహీ రాష్ట్రో మే భీ ఎంఐఎం పార్టీ బీజేపీ కే బి టీమ్ బన్కర్ कांग्रेस को नुकसान कर रहा है। मेरे सारे मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है आप सब ताकत के साथ काम करनी चाहिए। जिस तरीके भी जीवन अन्ना भी बताया जो कांग्रेस ने क्या क्या किया अभी तक अन्य नेताओं ने भी बताया कि कांग्रेस ने क्या क्या 70 सालों में किया मगर आज देश को तोड़ने में जो बीजेपी टीआरएस काम कर रहे हैं तेलंगाना को तोड़ने में भी उसमें एमआईएम का भी उतना ही कांग्रेस पार्टी ये विधंग ये नायक वदलो कि स्थाई मंडल स्थाई कार्यकर्ता नायक कौनसर वदलो सोदरी सरपंच का मन देश पोराटा प्रत्येक अभिनंद अगर स्थाक एमएलए एंपी अड्डक प्रश्न तीर प्रती कांग्रेस पार्टी नायक मन अलवरचल अवसर उवा अवनीति बहिर्गत अवसर उ కల్వకుంట్ల కుటుంబం లిక్కర్స్ కావలో కూరుకుపోయి ఉన్నది దానికి ఎవరు ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదు అసలు తప్పు చేయనోళ్ళకి కోర్టుకెళ్ళి చెల్లి చెల్కమ్మా తప్పు చేయకపోతే కోర్టుకి ఎందుకు పోవాలి కరెక్టే కదా కోర్టుకు పోయి ఆర్డర్ తీసుకోవాలి ఎందుకు కాబట్టి లిక్కర్స్ స్కామ్లో త్వరలో మీకు అన్ని ఆధారాలు వస్తూ ఉంటాయి కల్వకుంట్ల కుటుంబం ముఖ్యమంత్రి గారి కుటుంబం ఇరుక్కుపోయిందనేది सीबीआई विचारण बैठक अब एवर बतकू एवर देन बतको बैठ पड़ता इवा तेलंगा राष्ट्रा एंतम युवक मत इकड़ना युवजन कांग्रेस अध्यक्ष विविध संघाल नायक इकड़ना राष्ट्रमस्ते मन उद्योग चुवक युवक ऊर बेल्ट षापल के अलवा पड़पाई तागड़ अलवा पड़पाई उद्योग ड्रैवर् सेल्स मैन का पनचे एमबीए चली इंजनी चली बीकाम एमकाम चली पनचेक जगीत्याल जिला मध्यास के जीवन रेडिगार लक्ष्मण असल गेल एमएलए अगर व्यक्ति इवा कोर्ट व्यवहार अडवकेट गेलना कोर्ट ने यह विधा प्रभुत् तम उ तम पनपड़ी उपयोग वेमलवाड़ा अब आधार चटा उ नैन एनआरए गलस रूल सिटनशिप वील्ले अना के प्रोलांग आदि श्रीनिवास इकड़ो एलक्षन डिस्पाल अब जडिमेंट रही अतन मरी असल गेल प्रकट जरगा इकड़ धर्म इंको मुख्य विषय चपेदे
खाली प्रचार तोटे गुदरू और जो लिखकर डेली लिखकर काम में जो केसीआर का फैमिली का क्या रोल है आपको भी पता है मुझे भी पता है आगे चलकर वो सारा सबूत बाहर निकलेगा। बट जब तक अपन इनकी घोटाला और करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो केसीआर का फैमिली कर रही है उसके खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे स्टेट लेवल लीडरशिप इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे जैसा बेंगलुरु से बल्लारी तक मैं इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी संघर्ष किया था पांच सप्ताह में आ गया। क्यों हम खाली MLC साहब जीवन रेड्डी साहब MLA क्यों जाना चाहिए कालेश्वरम को सारा स्टेट लेवल PC से कॉल देना चाहिए हैदराबाद से कालेश्वरम तक क्यों पैदल नहीं चलते। ये जब तक के घोटाला इनका KCR फैमिली का बाहर नहीं निकलेंगे तो PRS को हराना बहुत मुश्किल है। तो फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप इस समय लेके जो कार्यकर्ता से बात करने आया ये बहुत ज़रूरत है। आपको स्ट्रेट आपको ग्राउंड लेवल का हकीकत पता लगता है इनके मनों में क्या है वो क्या सोच रहे हैं क्या चाहते हैं उस हिसाब से नीकु इंको मुख्य विषय ఏంటంటే రోహిత్ చౌదరి గారిని ప్రియాంకా గాంధీ గారు పిలుచుకొని మాట్లాడండి సెక్రటరీస్ గారు వారు ఏమీ చెప్పిన ప్రతి మనోభావాలను వారికి వివరిస్తారు జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా ఈ పార్టీ యూనిటీ కొరకు నేను జీవనన్న వారి నాయకత్వం మీద పనిచేస్తూ ఉంటాం రోహిత్ చౌదరి గారు కూడా ఆ కృషి చేస్తూ మునుముందుకు ఈ మనస్పర్ధలు లేకుండా రాష్ట్ర స్థాయి నాయకత్వం పనిచేసినట్టుగా ఆ పనిచేసే రీతిలో మీ స్థానిక నాయకులమైన పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు నా యొక్క పాత్ర మీకు ఉంటుందన్న మరొకసారి మనవి చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి జీవమైన ముఖ్య కార్యకర్తల నాయకుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన మిత్రులు లక్ష్మణ్ గారికి మహంగాయి పర్ హల్లా బోల్ उस पर जो भी साथी हमारे जिले से दिल्ली जा सकते हैं उनको वहां पे जाना है। दूसरा एजेंडा मधु भाई ने और जीवन रेड्डी जी ने बताया कि राहुल जी भारत जोड़ो पदयात्रा भी शुरू कर रहे कन्याकुमारी से साउथ इंडिया से शुरू होती हुई और वो नॉर्थ इंडिया तक जाएगी और मुझे लगता है कि आपके भी जिले के नजदीक से होके वो यात्रा कहीं ना कहीं से गुजरेगी तो उसमें भी भारी संख्या में आपको और हम सबको जाना है। तीसरा एजेंडे पे आने से पहले तीसरा एजेंडा संगठन का एजेंडा है। तीसरे एजेंडे पे आने से पहले हमारे एक साथी ने बोला कि हमारे बीच में दो टाइगर हैं जीवन रेड्डी साहब टाइगर और मधु याक्षी गौड़ साहब टाइगर। मेरा ये कहना है कि इस पंडाल में एक एक साथी टाइगर के साथ कौन रह सकता है? बकरी रह सकता है क्या? हिरन रह सकता है क्या? खरगोश चूहा कोई रह सकता है क्या? टाइगर के साथ टाइगर रह सकते हैं। जगत्याल जिले में एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता टाइगर है। चूहा बिल्ली बकरी सब भाग गया दूसरी पार्टी में गया टाइगर के साथ आज भी यहाँ पे टाइगर मौजूद है। एक एक कांग्रेस का साथी मेरा यहाँ पे टाइगर है। साथियों आने वाले एक साल के अंदर हमारे सामने चुनाव खड़ा है। चुनाव हम सबको मजबूती से लड़ना है उसी बारे में कुछ मैं आप सबके साथ बातें शेयर कर लेता हूं। चुनाव में जाने के लिए सब लोगों ने बोला कि कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बन सकती है। मैं भी मानता हूं। मैं आपकी इस बात को 100% मानता हूं। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे 3 से 4 सर्वे कराए अलग अलग समय पे सर्वे कराए और मुझे लगता है तेलुगु में शायद मधु भाई ने उस चीज का जिक्र भी किया। मैं थोड़ा बहुत जो समझ पाता हूँ अभी 1 महीना हुआ आए हो तो थोड़ा थोड़ा चिन्ना चिन्ना में छोटा छोटा तेलुगु समझ पाता हूँ पकड़ता हूँ उसको मैं समझता हूँ आपकी भावनाएं भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ। हिंदी समझ आती सबको थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको समझ रहा हूँ थोड़ा आप मुझे भी समझने का। तो पार्टी ने यहाँ पे 3 से 4 सर्वे कराए और आपको ये जान के खुशी होगी कि हर सर्वे में ये आया है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। कार्यकर्ता की राय पे कांग्रेस पार्टी ने टिकट बांटी कार्यकर्ता ने 2/3 बहुमत से सरकार बना दी। उसी उम्मीद पे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कार्यकर्ता की उम्मीद के मुताबिक यहाँ पे तेलंगाना में टिकटें बटेंगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाली सरकार को कोई नहीं रोक सकता और बार बार आप सबके बीच में आने का मौका मिलेगा। मेरे पास पेदरपल्ली लोकसभा है उसमें केवल आपके जिले की एक विधानसभा धर्मपुरी सीट आती है बाकी की 2 सीटें नदीम भाई के पास आती है। लेकिन
जीवन जी ने और मधु भाई ने बोला कि आप आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो पूरे जिले के सब साथियों से एक मेलजोल भी हो जाएगा और एक जान पहचान भी हो जाएगी और इस बहाने से एक वार्तालाप भी हो जाएगा। आपके बीच में आने का मौका मिला, आपको समझने का मौका मिला, कुछ मैं आपसे समझूंगा, कुछ मैं अपनी आपको समझाऊंगा, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ मैं अपनी आपको सिखाऊंगा, तो आप लोगों को सबको मजा आएगा काम करने पे। मजबूती के साथ कांग्रेस का झंडा उठाएंगे, काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में वापस लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।